क्वेश्चन नंबर टू में फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, आपको इनका सम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमें इसके अंदर लास्ट टर्म दे रखी है, तो हम सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n बाय टू ए प्लस एल लास्ट टर्म वाला। और इसके अलावा हमें एक फॉर्मूला और चाहिए कि nth टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये क्या काम आएगा, n की वैल्यू निकालने की, यानी ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है हमारे पास। तो देखते हैं यहाँ से, पहले इसे क्या करता हूँ, देखिए टेन एंड हाफ लिखा हुआ है, आप चाहो तो टेन एंड हाफ लेके कर सकते हो, मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। टेन एंड हाफ का मतलब क्या है, 10.5। तो ये सीक्वेंस बन जाएगी 7 + 10.5 + 14 + up to 84। फर्स्ट टर्म ये रही आपके पास, तो a इज इक्वल टू आ गया 7, d निकाल लेते हैं, d की वैल्यू क्या होती है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, सेकंड टर्म है 10.5, तो 10.5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते टाइम ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, क्योंकि 7 को लिखा जा सकता है 7.0। सब्ट्रैक्ट करते हैं 5, कैरी जाएगा तो 10, 10 में से 7 गया 3, तो वैल्यू बनी है 3.5। और ये वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, देखिए यहाँ पे 10.5 बड़ा नंबर है ना, तो ये प्लस का है तो वैल्यू प्लस की बनेगी। अब इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, इस वाले फॉर्मूले में एन और चाहिए, एन तो अभी तक नहीं है मेरे पास, तो एन कहां से निकलेगा, nth टर्म से निकलेगा मेरे पास एन। nth टर्म क्या है, जो इसकी लास्ट टर्म है उसको हम l या फिर an कह सकते हैं, जो लास्ट टर्म दे रखी है वो है 84। इसको यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, ताकि हमारे पास n की वैल्यू आ जाए। तो an है 84, फर्स्ट टर्म 7 प्लस एन हमें इवेल्युएट करना है, और डी, डी की वैल्यू बनी है 3.5। इसको इधर लेके आते हैं, तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3.5। 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू बनी 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3.5। डेसिमल हट जाएगा, एक जीरो आपके पास ऊपर आ जाएगी, 10 मल्टीप्लाई होगा। तो पहले क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 7 5 = 35, और 7 से डिवाइड करेंगे 1 1 0, फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं 5 1 = 0, तो ये हो गया 5 2 = 10 और 5 2 = 10। 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू बन गई हमारे पास 23। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे s 23 को इवेल्युएट करना है। इसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, एस एन का फॉर्मूला है n बाई टू इंटू ए प्लस एल, एल क्या लास्ट टर्म है, हमें इवेल्युएट करना है n की वैल्यू कितनी आई है 23, तो 23 टर्म्स का सम इवेल्युएट करना है, इज इक्वल टू होगा 23/2a, फर्स्ट टर्म है 7 प्लस लास्ट टर्म है 84। तो ये हो गया s 23 इज इक्वल टू 23/2, 7 ऐड करते हैं 84 में तो 91 की 23 से मल्टीप्लाई करके बाय में 2 लिख देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बाय में 2 आ जाएगा, 91 की 23 से मल्टीप्लाई करनी है। पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं,
सम कर लेते हैं, 3, 9, ये हो गया 10, कैरी 1, 2, तो वैल्यू बनी है 2093 बाय। सेकंड पार्ट में भी हमें लास्ट टर्म दे रखी है, तो हमें फॉर्मूला SN का ये यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो जो टर्म चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये चाहिए यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म होगी 34, बीबी चाहिए, डी क्या होता है, वैसे भी आप देखिए ये वाली सीरीज आपके पास क्या डिक्रीजिंग है, डिक्रीज करती जा रही है, कम होती जा रही है टर्म, कम हो रही है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आनी चाहिए। और वैसे ही मैं आपको बार बार बोल ही रहा हूं कि जब भी आप डी इवेल्युएट करते हैं तो फर्स्ट टू टर्म्स लीजिए, सेकंड टर्म में से माइनस कीजिए फर्स्ट टर्म को, उसके बाद देखिए दोनों टर्म में आपस में घटानी है। 34 क्या है, बड़ा नंबर है 32 से, 34 के सामने क्या है निशान, माइनस का, तो वैल्यू बनेगी माइनस की, तो 34 में से 32 जाएगा 2, तो d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, l निकालना है, l तो हमारे पास लास्ट टर्म दे ही रखी है, तो लिख देते हैं l को, और क्या बोला जाता है, nth टर्म, an इज इक्वल टू क्या है, 10। l भी आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, a भी आ गई, n निकालना है, n कहां से निकलेगा, an वाले फॉर्मूले से, तो an इज इक्वल टू होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस वन डी, एन एथ टर्म दे रखी है 10, फर्स्ट टर्म है 34 प्लस एन माइनस वन, एन इवेल्युएट करने एन को एन ही रखते हैं, डी की वैल्यू है माइनस 2, 34 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 34 प्लस का 10 पहले है इधर, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होके आपस में वैल्यू क्या आएगी, माइनस 24 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो आपके पास नंबर हो जाएगा डिवाइड में, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये बना 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इधर माइनस वन है उसको भी इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 13, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। एस एन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू, एस एन इज इक्वल टू है एन बाय 2 ए प्लस एल, एन की वैल्यू बनी है 13/2, यानी हमें फर्स्ट 13 टर्म का सम निकालना है, ए फर्स्ट टर्म है 34 प्लस एल, एल के लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 10, इवेल्युएट करते हैं 13/2, 34 में 10 ऐड करेंगे 44, 2 से कैंसिल आउट करते हैं 22, 22 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से, तो 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 2 जा 26 और 2 28, तो वैल्यू बनी 286। तो हमारे पास जो ये एपी दे रखी है सीरीज, इसका सम कितना आएगा 2 80। देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है हमारे पास, -5, डी निकालते हैं, सेकंड टर्म में से यानी -8 में से माइनस करना है -5 को, तो ये हो गया -8, माइनस और माइनस बन गया +5, तो डी की वैल्यू आई है, दोनों सब्ट्रैक्ट करने हैं, 8 अधिक होते हैं 5 से, तो वैल्यू क्या बचेगी माइनस की, तो वैल्यू आई -3। इसके बाद इस फॉर्मूले में हमें एन और निकालना है, एन कहां से आएगा, लास्ट वाली टर्म से, तो यहां पे मेरे पास लास्ट टर्म जो दे रखी है जिसे हम एन भी कहते हैं -230, तो एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू है -230, ए की वैल्यू है -5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है -3,
इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी -2 to 5, प्लस का 5 होगा ये माइनस का है तो माइनस के बचेंगे आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इज इक्वल टू एन माइनस 1, मल्टीप्लाई में है -3 तो इधर आके आपके पास डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये आपके पास माइनस का 1 है इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 76, एन की वैल्यू आ गई 76। एस एन निकाल लेते हैं, एस एन का फॉर्मूला है n/2 a+l, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है तो एस एन इज इक्वल टू हुआ n, n की वैल्यू कितनी है 76, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है इस एपी में 76 टर्म्स का सम निकालना है, तो 76/2 a की वैल्यू है -5 प्लस और लास्ट टर्म है -230, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा तो ये हो गया -230, 2 से कैंसिल आउट हो गया ये 38, तो वैल्यू बनेगी 38 × -235, तो वैल्यू आएगी -235 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 38 के साथ, पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 44 आपके पास, 8 3 जा 24 और 4 28, 2 कैरी आए 8 2 जा 16 और 2 18 × 3 5 जा 15, कैरी बना 1 3 3 जा 9 और 1 10, कैरी अगेन 1 3 2 जा 6 और 1 7, ऐड कर लेते हैं 0 13, कैरी 1 9 और 8, तो आंसर बना है 8930। तो हमारे पास ये सम होगा आपके पास जो गिवन एपी है।